प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। फाइनली हमारी फिल्म की डबिंग खत्म होने के स्टेज पे है और सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। आकांक्षा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और ये हमारी बेस्ट 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 फ्रेंड है और हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी तरीके की कुछ नहीं है, सब ह्यूमर है। और हो तो आप लोग प्लीज बीच में मत आओ, कुछ नहीं हो सकता हम दोनों का। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और इनकी बैटरी भी खराब हो रही है, बैटरी डाउन हो रही है, टिंग 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 की आवाज आ रही है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों से, जल्दी मुलाकात होगी, हमारी फिल्म रिलीज होने पे है, आप सब लोगों का पूरा आशीर्वाद चाहिए, पूरा साथ चाहिए, इस फिल्म को इतना टॉप पे पहुंचाइए कि बिल्कुल आसमान छुए। मुझे इस सिनेमा से क्या वो है, मुझे सिनेमा से बहुत सारे से वो है और डेफिनेटली मैं चाहती हूँ मेरी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो। आई विश कि ये हिस्ट्री बनाए हमारी फिल्म इंडस्ट्री में और इसके बाद से भोजपुरी में भोजपुरी को लोग बहुत ही इज्जत के साथ देखें और सारे मम्मी पापा भाई बहन सारे हॉल में जाके सीटें बुक करें, हमारी पिक्चर ब्लॉकबस्टर करें और देखे जाके, क्योंकि ये पिक्चर तो बड़ी कमाल की। योगेश ने तो मुझे बहुत सारे से गिफ्ट दिए हैं और हम लोग कल से फ्रेंडशिप डे मनाते जा रहे हैं और आज तो फ्रेंडशिप डे वाले दिन मैं योगेश के साथ काम भी कर रही हूँ। पवन जी और केसारी जी बच के रहना, मैं आ रही हूँ आपसे गिफ्ट्स लेने। पवन जी और केसारी जी ने आज तक मुझे बहुत सारा सा प्यार दिया है और मैं तो चाहती हूँ मुझे ढेर सारा सा प्यार मिले। आई एम वेरी सब लोग प्यार देते रहिए इनको। हाँ दोस्ती सिर्फ मैं करूँगा। बाकी सबसे मुझे प्यार चाहिए। और मैं दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ हमेशा और हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम टू यू। और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से एक अच्छे फ्रेंड हैं और अच्छे फ्रेंड रहेंगे, कोई लड़ाई नहीं, सब लोग पता नहीं क्या, ये खुद ही अपने में एक विवाद है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, कोई विवाद नहीं है और थोड़ा बहुत पब्लिसिटी रहती है और हर तरीके का एक जो कंटेंट होता है वो निकलता है फिल्म से। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, खेसारी जी के साथ काम किया, खेसारी जी ने बहुत एंजॉय किया और जहाँ तक दोस्ती की बात है हम लोग अच्छे दोस्त हैं, कोई विवाद नहीं है। गाना चल रहा है, वो डबिंग चल रही है, गाना चल रहा है। दबंग सरकार सितंबर में किसी भी हालत में आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। ट्रेलर दबंग सरकार का 15 से 20 अगस्त के बीच में आप सब लोगों के सामने आएगा और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसको इतना देखें, इतना आगे बढ़ाएं कि पूरी दुनिया में फैल जाए दबंग सरकार का ट्रेलर। खलनायक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारी फिल्म में बहुत बढ़िया काम किया है हमारे विलन्स ने, संजय पांडे भैया जो मेन विलन है हमारी फिल्म के, और समर चतुर्वेदी जी वो भी मेन विलन है हमारी फिल्म के, और एक नए कलाकार आप सब लोगों के सामने आ रहे हैं जिनका नाम है विनीत विशाल, वो भी हमारी फिल्म के मेन विलन है। यानी कि हमारी फिल्म में 3 मेन विलन हैं, संजय पांडे जी, समर चतुर्वेदी जी और विनीत विशाल। हीरो का हक बनता है हीरोइन को उठाने के लिए यार, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली पट जाती हूँ मैं तो, ऑलरेडी पटी पटाई हूँ, मतलब मुझे क्या पटानी। अगर आपके दर्शक मुझे पटाना चाहे तो उन्हें मेरे सारे गाने हिट्स करने होंगे और मेरे मूवी का ट्रेलर ट्रेंडिंग में लाना होगा, उसे इतना अच्छे से देखना होगा और एकदम प्यारे प्यारे से मुझे कमेंट्स करने होंगे। बाय द वे वैसे दर्शकों के साथ तो मैं ऑलरेडी बड़ी हुई हूँ, तो दर्शकों ने मुझे बहुत सारा सा प्यार दे करके रखा हुआ है और जब मुझे प्यार मिलता है ना तो मैं ऑटोमेटिकली पढ़ जाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, सावन का महीना चल रहा है, देवघर में मैं जा रही हूँ शो करने, केसारी जी के गाने पर परफॉर्म कर रही हूँ और केसारी जी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। ये न्यूज मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिली है और आई एम वेरी हैप्पी कि शी इज गुड डांसर, बहुत अच्छी परफॉर्मर है और आप सब लोग इनका प्रोग्राम जरूर देखिएगा। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि इनके प्रोग्राम को भी हिट करिए आप सब लोग। दबंग सरकार के बाद हम मेरी दूसरी पिक्चर आ रही है कि ये पवन जी के साथ में और पवन जी के साथ शायद मेरी तीसरी पिक्चर भी आ रही है और दबंग सरकार के बाद मेरी नेक्स्ट फिल्म है जिसका नाम है बबुआ वाली, खेसारी जी की फिल्म है। बबुआ वाली की शूट मैं नवम्बर में कर रहा हूँ, आप सब लोगों का प्यार मुझे बबुआ बवाली में भी चाहिए। जैसे योगेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, अभी तो ये बहुत बड़े डायरेक्टर भी है, बट हमारे प्रोफेशन अलग हो गए, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और जितने भी इस दुनिया के बेस्ट फ्रेंड हैं उन सबको हमारी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे, लव यू ऑल। प्लैनेट भोजपुरी।